अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज का जो सेशन है, एक्चुअली ये हमारा तीसरा सेशन था जो हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन फॉर द क्विज हम जो है ना इसको री रिपीट कर रहे हैं। अगेन स्लाइड्स वही हैं जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के हवाले से मतलब हमें दी गई हैं, सिर्फ थोड़ा सा लुक वाइज इनको जो है ना चेंज कर दिया गया। अदरवाइज इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है और टेक्स्ट है दोनों वही रखे गए हैं जो कि हमें AAIC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये वाला जो हमारे सेशंस हैं ये 3 से 4 दिन ले लेंगे हमारे अगले, क्योंकि तकरीबन 120+ स्लाइड्स हैं। तो हम इस सेशन में और आइंदा आने वाले 4 या 3 सेशंस में इन सारी स्लाइड्स को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। और फिर वही बात है कि जहाँ तक मैं इन सारी चीज़ों को समझ पाया हूँ या समझता हूँ, मैं वो कॉन्टेक्स्ट या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टिल मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप स्लाइड के टेक्स्ट को रीड आउट करें। उसके अलावा जो वीडियोस हमारे पोर्टल पे अपलोड हुई हुई हैं उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आगाज़ करते हैं आज के सेशन को। ये वीडियो तो आप लोग देख चुके होंगे, वैसे तो अवेलेबल भी थी लिंक के ऊपर, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ग्रुप के ऊपर उसका एक यानी कि वीडियो फाइल अपलोड भी कर दी थी शाम को। तो होपफुली आप ये सब देख चुके होंगे। इसके अंदर वो सारी बैकग्राउंड बताई गई है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टर्म कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इसको यहीं स्किप करते हुए, क्योंकि ये आप लोगों ने खुद देखनी थी, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हमें बताया गया था कि इस वक्त हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तकरीबन मिड के करीब पहुंचने वाले हैं। तो ज़ाहिर है अगर ये फोर्थ है तो फिर थर्ड भी हुआ होगा, सेकंड भी होगा, फर्स्ट भी होगा। तो ये जो स्लाइड है ये एक छोटा सा रीकैप पेश कर रही है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो उसकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ये कब 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 इनका जो है ना इजरा हुआ। तो कोई तकरीबन 1760 कहा जाता है कि उस वक्त आपकी जो है स्टीम इंजन ईजाद हुआ। स्टीम इंजन के आने से पहले ये होता था कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था। रीज़न के जो काम था वो हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ थिंग हुआ करती थी, यानी कि मैन पावर डिपेंडेंट हुआ करता था। अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सपोज आप की इंडस्ट्री है और आप जूते बना रहे हैं, तो वो जो जूतों की कटिंग एंड फिर वो उसकी शेपिंग और फिर उसके बाद उनकी स्टिचिंग, ये सारी वो जो उनके लेबर होते थे ना जो वहाँ उस कारखाने में काम कर रहे होंगे, उनकी स्पीड पे डिपेंड करता था। लेकिन इंसान है, बंदा काम शुरू करता है तो थोड़ी बहुत थक भी जाता है, तो जो उसकी पहले घंटे में एफिशिएंसी होती है वो 3 घंटे के बाद का जो घंटा होता है उसमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं रह पाती। ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आता रहता है। अगर एक बंदा है आज फ्रेश है तो वो अच्छा काम कर रहा होगा, अगर बीमार है तो उसकी ज़रा मतलब आउटपुट इतनी बेहतर शायद ना हो या क्वालिटी वाइज इतनी आउटलास्ट ना हो। इस तरह के ना मामला पेश आते रहते थे। और फिर सबसे बड़ी बात वही है कि आपकी ह्यूमन जो मशीन होती है उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकती। लाइक अगर आप 8 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो स्टीम इंजन की इजाद से ये हुआ कि वो जो ह्यूमन के ऊपर इस हवाले से डिपेंडेंसी थी ना वो ख़त्म हो। जब आपने स्टीम इंजन लगा दिया और कोई कटर है, अब पहले होता था कि वो अगर कोई वही वाली अगर हम शू वाली एग्जांपल ले लें, शू इंडस्ट्री में वो जो बंदा है वो पकड़ के चमड़े को काट रहा होता था डिफरेंट शेप से, या 2 बंदे होते थे, एक ने चमड़े को पकड़ा होता था, दूसरा कैंची या कटर लेके उसके डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको काट रहा होता था ना, जिसके बाद उसके ऊपर चमड़े को रिफॉर्म करके उसका जूते की शक्ल बनानी थी। अब वही चीज़ मशीन ने ले ली। ठीक है, अब मशीन की स्पीड भी तेज़ थी। अब आपने एक फॉर्मल एक स्टीम इंजन बना लिया, उसके आगे एक कटर लगा लिया, एक आरा लगा लिया, वो स्टीम इंजन मुसलसल चल रहा है और वो उसकी वो जो
आरईसी है वो मुसलसल घूम रही है, तो बंदे ने क्या करना है कि बंदे ने सिर्फ उसके आगे वो चमड़ा रखना है, उसको घुमाना है, और उस तरह से घुमाना है जिस तरह से वो काटना चाह रहा है, तो काफ़ी स्पीड तेज़ होगी ना। तो ये तकरीबन 1760 की बात है। और इसमें हुआ ये कि वो जो हमारी फैसिलिटीज़ थी, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, वो ना उसमें मैकेनिकल एवोल्यूशन आया कि वो मुख्तलिफ मशीनें बनी, उनके बिहाइंड द सीन वो स्टीम इंजन चल रहे होते थे जो कि उन मशीनों को पावर देते थे, और वो मशीनें फिर वर्कआउट करती थी, उससे काम की एफिशिएंसी इफेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 आया तकरीबन 1860-70 के बाद ना, ये आया, और इसका इजरा बनने की जो अहम वजह बनी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इजाद थी। जब बिजली बनी और बिजली आई और फिर उसकी पावर से चलने वाली मशीन्स आई, तो उन्होंने वो जो स्टीम इंजन की रिवॉल्यूशन थी ना उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। पहले जो फैक्ट्रियाँ थी वो अपनी लोकेलिटी की ज़रूरत को सामने रखते हुए काम कर रही होती थी, लेकिन जब स्टीम इंजन वगैरह की उस लिमिटेशन से उनकी जान छूटी और इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से उनको एक ह्यूज रेवोल्यूशन मिला, तो फिर वो मास प्रोडक्शन की तरफ गए। उन्होंने अपनी लोकेलिटी की ज़रूरियात के बजाय एक कंटिनेंट या एक कंट्री या एक मतलब एरिया, बड़े एरिया की ज़रूरियात को सामने रखते हुए प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और आपको पता है कि मास प्रोडक्शन में प्रॉफिट रेशो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आपने एक फैक्ट्री लगा ली, अगर सपोज आप उसमें 1 लाख चीज़ें बनाते हैं और हर चीज़ पे आपका प्रॉफिट 1 रुपया है, तो आपको 1 लाख चीज़ें बनाने पर 1 लाख रुपये बच रहे हैं। अगर आप वही 10 लाख चीज़ें बनाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली उसी फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट से आप 10 लाख जनरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, पर मंथ या जो भी आपका वो स्केल है। तो इस तरह से वो फिर मास प्रोडक्शन की तरफ गए, उसकी वजह से फिर इंडस्ट्रीज का एक बूम आया। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1970s में, और इसकी वजह बनी कंप्यूटर और आईटी की इजाद। कंप्यूटर के आने के बाद ना जो हमारी कॉम्प्लेक्स किस्म की इंडस्ट्री थी ना वो इवॉल्व होना शुरू हुई, क्योंकि जब जहाँ पे कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती थी ना, वहाँ पे ह्यूमन लिमिट होती थी, वो एक जा का जाके ख़त्म होना शुरू हो जाती थी या कम पड़ना शुरू हो जाती थी, या आपको ज़्यादा ब्रेन्स इन्वॉल्व करने पड़ते थे किसी काम के हवाले से ना। इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस तरह स्पेस मिशन वगैरह होते थे और उससे रेलिवेंट चीज़ें होती थी, तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा काफ़ी नंबर ऑफ साइंटिस्ट की टीम्स मैंने वो काम कर रही होती थी, जो डिफरेंट कैलकुलेशन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मिशन के बारे में जिम्मेदार होती थी, कि उसकी कैलकुलेशन करके सारी की सारी चीज़ें एंटिसिपेट कर लें। तो जब कंप्यूटर आना शुरू हुआ तो थोड़े से ये जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले काम थे ना वो कंप्यूटर को ट्रांसफर होना शुरू हो गए। दूसरा, कंप्यूटर के आने के बाद इनिशियली तो वो बड़े हाईली साइंटिफिक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व रहा, लेकिन लेटर ऑन उसकी नॉर्मल इंडस्ट्री में भी जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ती चली गई, और फिर होते होते ये हो गया कि आपकी ऑटोमेशन और इस तरह की, यानी कि जो आपकी मशीनें थी वो ऑटोमेटेड होना शुरू हो गई। जो पहले मशीन्स होती थी वो मैनुअल होती थी, उसके बाद वो उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, उसको सीएनसी मशीन्स इन्वॉल्व कर दी। सीएनसी मशीन को आप डिज़ाइन पैटर्न दे दें, तो फॉर एग्जाम्पल वही अगर वो जूते वाली मिसाल लें, तो पहले क्या होता था कि चमड़ा रखते थे और उसके बाद वो बंदा अपने जहन से उस चमड़े को काटता था, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जूता के साइज के मुताबिक। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्होंने सीएनसी मशीन वहाँ पे इन्वॉल्व कर दी, तो सीएनसी मशीन को आप एक बार पैटर्न देके प्रोग्राम कर दें, उसके बाद जब भी उसकी बेल्ट पे चमड़ा रखेंगे उसको सेंस करके वो अपने पैटर्न के मुताबिक उसके अंदर से वो पीसेस काट के खुद बखुद ही निकाल देगी। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी सी रह गई कि उसने एक खाल या एक पीस ऑफ चमड़ा जो है वो लेके लेदर उसने उसकी बेल्ट पे रखना है, और मशीन को ओके का बटन कहना है, ऑन का बटन दबाना है, उसके बाद सारी कटिंग इफेक्टिवली मशीन ने करके एज पर द पैटर्न गिवन टू दैट थिंग वो उसने आपको ना कटिंग करके दे देनी है, उसके बाद बंदे ने वो वाली कटिंग उठानी है और दूसरा चमड़ा का पीस जो है वो रख देना है। तो इस तरह से करके ना ऑटोमेशन सी आ गई, और ये सिलसिला बढ़ते 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 2014 तक पहुंचा, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 ने टेक ओवर किया, और अभी हम उसके स्टार्ट के बाद, अब 5 साल गुजरने के बाद तकरीबन उसके मिड के करीब पहुँचने वाले हैं, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिमाइंड करवा दूं कि हम ना कोई 15-15 मिनट के बाद एक छोटी सी ब्रेक ले लिया करेंगे, तो अगर इन बिटवीन आपका कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है या आप कोई एडिशन करना चाहते हैं किसी हवाले से, कोई नया कंसेप्ट या कोई मजीद बेहतरी या कोई अच्छी एग्जाम्पल, तो वो फिर आप ना उस दौरान में फिर आप शेयर कर लीजिएगा। तो
तो हमने 9:50 पे शुरू किया था, तो अभी 10 बज रहे हैं। 10:10 पे ना हम पहली ब्रेक लेंगे, और उसमें फिर आप लोग कुछ शेयर कर लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तब तक तो आप प्लीज नोट डाउन कर लें। अच्छा, क्लॉस श्वाब साहब जो हैं, जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वो बानी भी हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जो कि पब्लिश हुई 2016 में। उस बुक का टाइटल था द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसी साल उन्होंने डिवोस में, जब वो उनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल जो मीटिंग होती है वो जब अकर हुई, तो उन्होंने उस मीटिंग में इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, उसे ये हो गया वो हो गया। इनके टर्म फर्स्ट टाइम जो है वो उस वक्त 2016 में क्लॉस श्वाब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई अपनी बुक के थ्रू और अपने उस लेक्चर के थ्रू, उन डिस्कशंस के थ्रू जो उन्होंने उस मीटिंग में की। उन्होंने कहा कि आजकल एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो है वो आ चुका है, वैसे तो ज़ाहिर है इससे पहले भी 3-4 आ चुके हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन या रिवोल्यूशन आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये हमारी जो डिफरेंट एरियाज थे ना, लाइक फिजिकल, डिजिटल, बायोलॉजिकल स्फीयर्स बने हुए थे, उनकी जो सरहदें हैं उनको बड़ी तेजी से मादूम करता जा रहा है और उनकी इंटरमिक्सिंग होती जा रही है। तो चीज़ें अपने अपने डिफाइंड पैटर्न से निकल के एक दूसरे में इमर्ज और मर्ज होती जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ले सकते हैं, उसके अलावा ये जो आपके मोबाइल फोन्स हैं उसके अंदर जो वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट आ रहे हैं, या आपके होम ऑटोमेशन सिस्टम में जो वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट्स आ रहे हैं, फेशियल रिकग्निशंस हैं, हेल्थ सेंसर्स आ रहे हैं, ये सब बड़ी तेजी से ना, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। और आपकी लाइफ कहाँ से शुरू होती है और डिजिटल या जो मशीन्स हैं या टूल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ खत्म होती है, ये बड़ी तेजी से ना एक दूसरे में इंटरमिंगल करती जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इंसान किस तरह रहते हैं, गवर्नमेंट्स कैसे मैनेजमेंट करती हैं अपने मुल्कों की, कंपनीज कैसे ऑपरेट होती हैं, इन सब चीज़ों के जो मुतदरज तरीके थे ना, जो रवाइज करदा तरीके थे जिसमें वो पिछले 100 साल से या 200 साल से चीज़ें ऑपरेट होती आ रही थी, उन चीज़ों में बड़ी तेज़ी से ना उसके अंदर एक सोशल रिवोल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन लाते जा रहे हैं कि वो चीज़ें या वो इकदार या वो रूल्स या वो रेगुलेशंस जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 25 साल पहले एग्जिस्ट करते थे कि दुनिया ऐसे गुजारनी है, गवर्नमेंट ऐसे चलानी है, कंपनीज ऐसे चलानी है, ठीक है, पर्सनल ने अपनी लाइफ में ये इस तरह से बिहेव करना है, वो सभी चीज़ें बड़ी तेज़ी से इंटरमिंगल होके एक ट्रांसफॉर्म होके एक नए कल्चर या एक नई दुनिया की तरफ जाती जा रही हैं। इसके हम एग्जाम्पल बड़े आराम से यूँ ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने थोड़े से पिछले अरसे में आपसे, या इवन अभी भी आपसे कोई आपका नाम पूछे, और स्पेशली अगर तो इन केस ऑफ खवातीन हैं, तो वो इस बात को मायूब समझती हैं कि वो अपना नाम किसी अजनबी को बताएं, ठीक है, इवन नाम बताना भी मायूब समझा जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि फेसबुक के ऊपर आपने अपने नाम के साथ साथ 25 और तरह की इंफॉर्मेशन भी अपने बारे में फेसबुक के ऊपर पब्लिकली नॉर्मली पोस्ट की भी होती है, और इवन अगर आपने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखा हो तब भी आपका नाम वाम और इस तरह की जो चंद चीज़ें हैं वो आपकी पब्लिक ही होती हैं। फिर उससे थोड़ा सा आगे हटके जाए तो जिन लोगों को इसमें कोई खतरा नज़र नहीं आता, उन्होंने इवन अपनी प्रोफाइल भी पब्लिक रखी होती है, और उसके ऊपर अक्सर लोग अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी पिक्चर्स और उनकी डिटेल्स भी शेयर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी फिजिकल लाइफ में देखें तो ये चीज़ें शेयर करना बड़ा अजीब सा या बड़ा मायूब सा समझा जाता था कि लोग इवन अच्छे खासे जानने वालों को भी अपनी एक एक पल की डिटेल नहीं बता रहे होते थे पहले। लेकिन अब देखें डिजिटल साइड के ऊपर जाते हुए उनके जहन में एक जो बैरियर होता है ना बताने का, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और ये बड़ी मतलब एक साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। तो अब लोग वैसे शायद अपने बारे में इतनी चीज़ें ना बताएं, लेकिन फेसबुक पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक परत जो है वो नुमाया किया होता है, या चलो एक एक परत ना कहें लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो उनकी जनरल लाइफ में अगर हो रही होती हैं नुमाया की होती हैं। अब ये क्या है,
ये वो रिवोल्यूशन है जो कि वे ऑफ थिंकिंग में इस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ले आया है कि हम अब फेसबुक पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए उसको मायूब नहीं समझते, या हमें उससे कोई खतरा नहीं लगता कि यार से हमें कोई गड़बड़ हो सकती है या कोई हमारा डाटा अगर पब्लिक जा रहा है तो उससे हमें कोई नुकसान होगा वगैरह वगैरह ना। इस तरह से हर हवाले से जो है ना चीज़ों को, मतलब जिस तरह लास्ट इसका पॉइंट लिखा हुआ है कि हाउ इंडिविजुअल्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑपरेट्स, इसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ गए ठीक, और ये सारी चीज़ें इसमें आगे जाके डिस्कस होती रहेंगी कि किस किस एरिया में कहाँ कहाँ से किस किस हवाले से चेंजेस आ रहे हैं। तो जो इस स्लाइड का लुबेलुआब था वो यही था कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ये वो जो हमारी सोशल वैल्यू, सोशल नॉर्म्स, एक कल्चर, एक वे ऑफ लिविंग, उन सब चीज़ों में ना सिर्फ तेजी से चेंज ला रहा है बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हुए हमारे जो फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल बाउंड्रीज बनी हुई थी उनको बड़ी तेजी से खत्म करता जा रहा है, और हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी या टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी तरह से जो ज़विका क्राइगर, ये शायद रशियन नेम है, मे बी, तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी सी गलत कर रहा हूँ, जो कि टेक्नोलॉजी पॉलिसी और पार्टनरशिप्स को हेड करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उन्होंने ये कहा कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी इन्वेंशन होती है किसी खास टेक्नोलॉजी की जो कि आपकी सोसाइटी की बुनियादों को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तब आता है जब कोई ऐसी इजाद हो जो कि आपकी सोसाइटी जिन नॉर्म्स पे, जिन बुनियादों पे बेस कर रही है उनको ही चेंज कर दे। वो ज़ाहिर है बुनियाद चेंज होगी तो नीचे से ऊपर तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक, उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया वो तब आया 1760 में, जब और स्टार्ट हुआ ब्रिटिश से, ब्रिटेन से, और इसके अंदर जो बुनियादी तब्दीली लाने वाली वजह बनी ना वो थी स्टीम इंजन की इजाद। स्टीम इंजन ने आने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है ना उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना दिया। इससे क्या हुआ कि वो जो फैक्ट्रीज थी ना वो बड़ी तेज़ी से ना सिर्फ डेवलप होना शुरू हुई बल्कि उसमें जो प्रोडक्शन का लेवल था वो भी बेहतर हो गया और स्पीड और एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई। पहले क्या होता था कि बिलफर्ज अगर आपने 100 जूते बनाने हैं तो अगर बिलफर्ज एक कारीगर एक दिन में मैनुअली एक जूता बनाता है तो आपको 100 जूते पर डे बनाने के लिए 100 कारीगर रखने पड़ते थे। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब जब वो स्टीम इंजन की इजाद हुई अब उन्होंने कहा भाई 30 कारीगर रख लो, 10 कारीगर लगा दो कटिंग के ऊपर, 10 कारीगर लगा दो फॉर एग्जाम्पल उसकी मोल्डिंग के ऊपर, और 10 कारीगर लगा दो स्टिचिंग के ऊपर। तो वही 100 पर डे या मे बी अब शायद वो 500 पर डे 30 कारीगरों से वो आउटपुट लेना शुरू कर दी हो ना किसी फैक्ट्री ने। पहले उनको 100 कारीगरों से वो मुश्किल 100 जूते पर डे, अगर उनमें से कोई छुट्टी कर लेता था कारीगर किसी वजह से बीमार हो जाता था तो वो उनका वो जो 100 वाला टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता था, या बाकी कारीगरों को ज़्यादा काम ओवर टाइम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, मशीन्स आई, स्टीम इंजन आई, उन्होंने प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी और फास्टनेस लेके आए, और उससे ये हुआ कि आपके कम कारीगरों की रिक्वायरमेंट कम हो गई ना, और मशीनों की मदद मतलब से वो कम कारीगरों ने वही काम करना शुरू कर दिया। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्ट्रियाँ लगनी है तो पहले ज़माने में 10 फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए आपको 1,000 मजदूरों की जरूरत होती थी या 1,000 कारीगरों की जरूरत होती थी, और उतने कारीगर अवेलेबल नहीं होते थे मार्केट में तो फिर वो इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग नहीं सकती थी। लेकिन अब चूंकि मशीनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कारीगरों की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो अब वो हुआ ये कि वो 100 कारीगर, अगर हर कंपनी ने 20 20 30 30 कारीगर ले लिए तो एक की जगह अब आप 4 या 5 फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं और उनकी प्रोडक्शन भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तकरीबन 100 साल बाद, और ये तकरीबन आप कह लें 1850 1860 की बात होगी। इसमें बेसिकली जो मेन की इन्वेंशन हुई वो थी इलेक्ट्रिसिटी की इजाद। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वो जो स्टीम इंजन की लिमिटेशन थी ना वो मज़ीद ख़त्म हो गई और मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आया, और उसकी वजह से फिर नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई लाइक स्टील की, ऑयल की और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो स्टील ने आपकी जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग
की इंडस्ट्री होती है ना, उसको रिवॉल्व और इवॉल्व किया। कि देखिए पहले क्या होता था कि पहले आपकी जो लिमिटेशन थी वो, जाहिर है आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो वो भी किसी लोहे या इस टाइप की चीज़ों से लगेगी ना, तो उस वक्त इतने बड़े बड़े आलात या वो अवेलेबल नहीं थे कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी, एक हद से ज़्यादा बड़ी मशीन्स बना सके। तो फिर जब ये ज़माना आया, इसके अंदर नंबर एक तो ये कि स्टील का वो जो एलॉयज हैं वो ईजाद हुए, और उसकी मदद से उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी आ गई। और फिर हुआ ये कि कोई मास स्केल प्रोडक्शन के हवाले से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, जिन्होंने मतलब लाखों की तादाद में प्रोडक्शन के हवाले से टारगेट्स को कवर करना शुरू किया। और उन लाखों की प्रोडक्शन को रन करने के लिए जो पावर चाहिए होती थी वो शायद स्टीम इंजन ना दे पाता, लेकिन अब बिजली की याद में वो पावर की कमी को फुलफिल किया, और उसके बाद वो इस काबिल बनाया उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कि वो अपने आप को रन कर सकें, और रन करने के बाद वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। और उसके बाद इस एरा की जो बड़ी ईजादात थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट लाया, वो थी लाइट बल्ब की ईजाद, बिजली की रोशनी की वजह से टेलीफोन की ईजाद कम्युनिकेशन के लिए, और कम्बशन इंजन की ईजाद जिसने फिर आपके वो जो स्टीम इंजन की वो जो लिमिटेशन थी उनको ख़त्म करते हुए इस एरा को आगे बढ़ाया। और तीसरा एरा जो आया, उस तीसरे एरे के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का एक छोटा सा एक सेशन लेंगे। तो तीसरे एरा में क्या हुआ कि तकरीबन 1960 में जब सेमीकंडक्टर ईजाद हुए, और उसके बाद जब पीसीज बने, और उसके बाद जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ, इसने बड़ी तेज़ी से जो है ना चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया और प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म किया और डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ लेकर गई। और ये जो एरा कहलाता है इसको कहा जाता है डिजिटल रेवोल्यूशन भी, ठीक है, यानी कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी या डिजिटल रेवोल्यूशन भी। क्यों? कि इसमें जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन की जो अहमियत थी वो पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटिंग की पावर की वजह से हुई, कि जिसने आके जो फैक्ट्रीज की रनिंग थी उसको बिल्कुल एक नया रुख दे दिया। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिला तकल्लुफ बताइए, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या इस इन स्लाइड्स से कोई मज़ीद कोई आपके पास कुछ शेयर करने के लिए बाकी सबसे, तो प्लीज़। जी मैं 9:15 तक आपका वेट कर रहा हूँ, फिर अगर कोई कुछ शेयर नहीं करता तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलें जी आगे बढ़ते। तीसरे और चौथे में मेजर फर्क क्या था? इसमें जो मेजर थे ना फैक्टर्स वो दो थे। नंबर एक तो वही वाली बात जो क्लॉज शॉप ने भी पहले कही थी कि द गैप बिटवीन द डिजिटल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज श्रिंकिंग एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। पहली बात वही वाली की कि आपकी जो डिजिटल लाइफ होती है, आपकी फिजिकल लाइफ होती है, और आपकी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है जिसके साथ आपका जो आपके अराउंड जो सराउंडिंग्स हैं उसके साथ जो आपका इंट्रैक्शन होता है ना, उसके जो दरमियान बाउंड्री थी ना वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। और आपकी वो डिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, या आपका जो एनवायरनमेंट आपके अराउंड है वो बड़ी तेज़ी से इंटरमिंगल होना शुरू हो गया। और इसकी मिसाल उन्होंने दी कि देखें टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, कितनी तेज़ी से लोगों में मतलब लोगों तक पहुंचती है, और लोग उसके यूज टू होते हैं, उसको अपनी जनरल लाइफ में मुकाम देते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी कि जो फ़ोन था ना टेलीफोन, उसको इजाद होने के बाद 100 मिलियन पीपल की एक्सेस में आने तक 100 साल लगे, यानी
जो नॉर्मल हमारा टेलीफोन था, तो 100 75 साल में, सॉरी, वो 100 मिलियन पीपल तक पहुंचा टेलीफोन की इजाद। जबकि पोकीमोन गो जो गेम थी, जो कि 2016 में आई थी, उसने ये 100 मिलियन पीपल तक पहुंचने का टारगेट 1 महीने में अचीव कर लिया। तो देखें कहाँ वो इजाद टेलीफोन की, जो इन्वेंट होने के बाद 100 मिलियन पीपल तक पहुंचने में जिसने 75 साल लिए, अब 2016 में पोकीमोन गो वही टारगेट अचीव कर लेती है लेस देन 1 मंथ में। इतनी तेजी से लोगों में टेक्नोलॉजी स्प्रेड करती जा रही है। तो इसके हवाले से ना लोगों ने ये एक आइडिया दिया कि जनाब, अब जो ज़माना जिस तरीके से आ रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, इसमें क्या होगा कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी कॉन्शियस हैं, जो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं ना वो सारे वो ले जाएंगे, और जो सादे बंदे हैं ना वो बेचारे फिर पीछे ही रह जाएंगे। इसकी उन्होंने फिर आगे कुछ एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा कि 2018 के अंदर एक रिपोर्ट आई यूबीएस फाउंडेशन में, उसने कहा कि वो जो 80% ऑफ द जो बड़ी इजादात है पिछले सालों में, पिछले जो 10 10 सालों का जो बैच होता है उसके अंदर 80% ऑफ द जो बड़ी बड़ी मेजर इजादात है, वो बिलीनियर्स जो कंपनी है ना, कोई बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने की है। इनकी छोटी कंपनियां उसमें कुछ ज्यादा एडिशन नहीं कर पा रही। और इसी सारी स्टडी को मद्देनजर रखते हुए 2016 में स्कॉप ने ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, ये इनइक्वालिटी को बढ़ा देगा। होता है ना अनइक्वल लाइफ, या जो गरीब है वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी से लिंक रखे हुए लोग हैं, या जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले और उसके अंदर मजीद बेहतरी लाने वाले लोग हैं, उनमें और उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी से नाबलद हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं या उनका जो एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी तक, उनके दरमियान जो गैप है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जो लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मोर एंड मोर एंड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाते चले जाएंगे, और जो बेचारे टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं है या जिनके पास वसाइल नहीं है या एक्सेस नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को उस लेवल के ऊपर यूटिलाइज कर सकें, वो और डंप होते चले जाएंगे। और ये एरा बकोल वो जो श्वाब साहब के, कि टाइम ऑफ ग्रेटर प्रोमिस है या वन ऑफ द ग्रेटर पोटेंशियल पैरल है। यानी कि उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं या टेक्नोलॉजी को जानते हैं या टेक्नोलॉजी को जानना चाह रहे हैं, उनके लिए ग्रेट प्रॉमिस है कि भाई आप आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में इन हो, टेक्नोलॉजी को सीखो, तो ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। और अगर इसी का हम दूसरी एस्पेक्ट देखें, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को उस तरह से नहीं सीख रहे या उसको जनरल ले रहे हैं, या मतलब जिस तरह के हमारे मुल्क में आईटी के हवाले से या इस तरह के टेक्नोलॉजीज के हवाले से फैसिलिटीज का फुकदान है, तो वो लोग फिर और ज़्यादा डंप होना शुरू हो जाएंगे। अगले आने वाले ज़माने में उनकी कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं हुई है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अभी हम लेंगे भी कुछ ही देर में। अभी हमारी एक ब्रेक का वक्त होने वाला है थोड़ी देर में, तो इस वाली स्लाइड को देखने के बाद या डिस्कस करने के बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे 5 मिनट की, और देन दोबारा से सेशन शुरू करेंगे ये वाला। तो देखिए इसमें वो बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की जो फोर्सेस हैं, जो कि आपकी लाइफ को बड़ी तेजी से डिस्टर्ब कर रही हैं या इफेक्ट कर रही हैं, या डिस्टर्ब से मुराद पॉजिटिव वे में भी हो सकती है कि वो आपकी लाइफ में बेहतरी ला रही है, वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो सारे नाम लिखे हुए। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में मैन टू मशीन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन। फिर उसके बाद एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, एडवांस्ड मटेरियल, एनर्जी स्टोरेज, 3D प्रिंटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, न्यूरो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसके बीच में इन्होंने एक वो पिरामिड दिया हुआ है, जो कि है आपका डिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट कर रही हैं, और बड़ी तेज़ी से इन तीनों को आपस में इंटरमिंगल करती जा रही है। देखें,
जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर रोबोटिक्स आती है, एडवांस एनालिटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपके डिजिटल वर्ल्ड से इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, ये आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर, देखें हम एनर्जी यूज़ करते हैं, मटीरियल यूज़ करते हैं, हम 3D प्रिंटिंग की मदद से चीज़ें बना रहे होते हैं, हम लोग कंप्यूटिंग कर रहे हैं जो कि क्वांटम भी हो सकती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और फिर हमारा एक अदर वर्ल्ड है जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यूरो टेक्नोलॉजी आ रही है, साइबर सिक्योरिटी आ रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग आ रही है। ये हर एरिया में, चाहे हमारा डिजिटल वर्ल्ड हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वर्चुअल वर्ल्ड हो, उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बड़ी तेजी से स्पीडली इवॉल्व हो रही हैं, प्लस वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी है, ठीक है। जो हमारी रोबोटिक्स है वो 3D प्रिंटिंग की फॉर्म में, फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो आगे जा रही है, और उसके बाद उनके ऊपर जो कंपटीशन परफॉर्म होनी है वो मैं ब्लॉकचेन से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, क्लाउड कंप्यूटिंग से आ रही है। उसके अलावा हमारी हिफाजत के लिए फिर साइबर सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्लीमेंटेशन है कि जो हमारे काम आसान या ऑटोमेट करने के लिए इम्प्लीमेंट हो, उस साइड से ऑगमेंटेड रियलिटी, एडवांस एनालिटिक्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। और फिर हमारी लाइफ को कंट्रोल करने या बेहतर करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, न्यूरो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ के ऊपर ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस ला रही है, चाहे वो लाइफ ऑफ द ह्यूमन हो, लाइफ ऑफ द कंपनी हो, या लाइफ ऑफ द गवर्नमेंट हो। ये तीनों को अगर हम इस स्लाइड के एग्जैक्टली दरमियान में, जहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 लिखा है ना, वहाँ पे रख के देखें और उसके बाद इसको एनालाइज करें, तो पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे ह्यूमन रख लें, अपने आप को रख लें, तो पता चलेगा कि हमारी लाइफ के ऊपर ये सब टेक्नोलॉजीज किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। इसकी जगह अगर हम किसी कंपनी को रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट को रख लें, पाकिस्तान की किसी कंपनी को रख लें, एक्स वाई जेड, तो उस पर ये सब चीज़ें कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, कैसे असर डाल रही हैं। और अगर हम इसकी जगह गवर्नमेंट रख लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ जापान, तो उसके ऊपर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ये सबके लिए ना एक तरह का एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर नीचे इसकी वेव लिखी हुई है कि जी शुरू कहाँ से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, शुरू में डिजिटाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग आई। फिर 2016 से उसके अंदर एक नया इवॉल्वमेंट आई जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई, ब्लॉकचेन आ गई, क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गई, जिसका कोर्स सर जिया ने कराची में शुरू भी करवा दिया, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, H2M, ह्यूमन टू मशीन रोबोटिक्स, और एनर्जी की स्टोरेज, क्योंकि एनर्जी के बगैर ये सब चीज़ें जीरो हो जाती हैं। एनर्जी बड़ा मेजर फैक्टर है इन सब चीज़ों को रवानदवा रखने के लिए। फिर थर्ड वेव जो है 2025 तक जाके सेंट्राइज होगी, जिसके अंदर एनर्जी स्टोरेज, न्यूरो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना अब हम 5 मिनट की ब्रेक पे जाने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके फाइन जी, यहाँ हम लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वहीं पे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वहां पे आपसे शेयर करता हूँ लिंक दोबारा से ग्रुप के ऊपर, तो आप ज्वाइन कीजिएगा और हम यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।